वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ डीटीज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे द मैग्नेटिज्म जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग चार्जेस। जो चार्जेस रिवॉल्व करते हैं उनसे जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल हमसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सो द टॉपिक इज रिवॉल्विंग चार्जेस and their magnetism. देखिए, सबसे पहले इसमें हम केस लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। तो लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द केस ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और यू में से बोर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज माइनस ई होगा, इसका मास एम ई होगा, और जिस रेडियस में घूम रहा है उस रेडियस को हम मान लेते हैं आर। लेट्स से कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या कुछ पूछा जा सकता है, और फिर क्वेश्चंस में उनका क्या यूज़ होगा वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके वजह से जो करंट जनरेट होगा वो कितना होगा? व्हाट इज़ द करंट जनरेटेड? तो करंट को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक टाइम पीरियड में अगर आप एक जगह बीइंग एन ऑब्जर्वर खड़े हैं तो एक टाइम पीरियड में जितना चार्ज आपको क्रॉस करेगा दैट डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड विल गिव यू द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सो व्हाट्स दैट वैल्यू? ऑब्वियसली इट्स ई डिवाइडेड बाय टी, एंड प्लेस ऑफ टी व्हाट वी कैन राइट 2π बाय ओमेगा। सो दैट बिकम्स ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। तो ये हमने करंट निकाल लिया। इसका करंट निकालने के बाद अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, तो देखिए सर्कुलेटिंग करंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA कॉइल के अंदर, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ तो हम एक ही नंबर ऑफ टर्न लेके चलेंगे, सो इट विल बी I इंटू A मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है दैट मीन्स करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उस परिस्थिति में आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक्चुअली आउटवर्ड होगा, ठीक है। इसी मैग्नेटिक मोमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? आई के जगह हम लिख सकते हैं ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, और ए के जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो दो चीज़ें हमने निकाल ली, हमने करंट निकाल लिया और हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। अब हम आते हैं इसके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे। सो लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें से करेक्ट वर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी निकालना चाहते हैं एट द सेंटर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो? तो रिंग का फॉर्मूला लगेगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस। आई की वैल्यू डाल दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? इट्स ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग इज म्यू नोट इंटू ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 4πr। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल अभी तक हमने तीन चीज़ें निकाली हैं। सबसे पहले हमने निकाला है करंट, उसके बाद हमने निकाला है मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके बाद हमने निकाला है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट सेंट्रल एक्सिस, तो हम क्या बोलेंगे बताइए? द एंगुलर
momentum of this electron about central axis. तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा. आई की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह हम ओमेगा ही छोड़ देंगे. तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन हो गया. अगर वी दिया रहेगा तो आप ओमेगा की जगह वी बाई आर लिख सकते हैं. अब आता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर. देखिए एक रेशियो होता है, उस रेशियो को कहते हैं हम, उस रेशियो को हम कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो. नो व्हाट इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो. गायरो मैग्नेटिक रेशियो का मतलब होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम. इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग चार्ज. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, किसी भी चार्ज के लिए निकाल सकते हैं जो रिवॉल्व कर रहा है. सो व्हाट इज द वैल्यू, बेसिकली एम की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एम की वैल्यू हमारी आई थी ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और एल की वैल्यू हमारी आई थी एम आर स्क्वायर ओमेगा. अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा फाइनली बनता है E डिवाइडेड बाई 2m, isn't it? What is E by m? चार्ज बाई मास के रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज. ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा. स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चार्ज बाई मास का रेशियो. दैट डिवाइडेड बाई टू इज वॉट वी आर हैविंग. So this is the gyromagnetic ratio. So what we have learnt? We have learnt that gyromagnetic ratio, that is the magnetic moment to the angular momentum, is specific charge divided by 2. And mind it, this is a shortcut. ठीक है, ये बहुत important shortcut बन गया है. पर इसका use कैसे करना है मैं बताऊँगा आपको बाद में. अब आइए, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का angular momentum निकालूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का angular momentum निकालूँ, आई एम सॉरी, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इज इट ई बाई टू एम मल्टीप्लाइड बाई एल लिख सकता हूं, स्पेसिफिक चार्ज डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एल. अगर ये बोर्स इलेक्ट्रॉन है, इफ इट इज अ बोर्स इलेक्ट्रॉन, बोर्स इलेक्ट्रॉन मतलब जो कोई पर्टिकुलर रेडियस, कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट, nth ऑर्बिट मान लीजिए, उसमें घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो अगर ये बोर्स इलेक्ट्रॉन है देन इट्स एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल of, बताइए एक बोर्स इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई का. ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है. इस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं अपने मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वेशन में, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1. सो लेट मी से दैट दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको यूज करते हैं, करेक्ट. तो बताइए हमें क्या मिलेगा, हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है एन एच ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एम विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ
आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है और ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं बोर्स मैग्नेटोन। क्या कहते हैं? द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बोर्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटोन। ठीक है, तो बोर्स मैग्नेटोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको हम म्यू से दिखलाते हैं या म्यू से दिखलाते हैं और इसकी वैल्यू होती है एन, तो वन हो जाएगा इसके लिए, सो दैट विल बी एच इंटू ई डिवाइडेड बाई 4πm। ये है आपका बोर्स मैग्नेटोन। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, चूंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो यूनिट ज़रूर इसका एम्पेयर मीटर स्क्वायर में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप कैलकुलेट करना और कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना। तो इसको बोर्स मैग्नेटोन कहते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा डिस्कशन है कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ें निकालने दी जाएंगी। अब आते हैं शॉर्टकट पे। जो शॉर्टकट इस पूरे आर्टिकल में जनरेट हुआ वो शॉर्टकट है एम बाई एल की वैल्यू ई बाई टू एम के बराबर, यानी चार्ज बाई मास के हाफ के बराबर। यही मेन शॉर्टकट है। अगर आपको एक रिवॉल्विंग चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी जाए, ठीक है, तो आप और उसका मास पता हुआ तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट बिना कैलकुलेट किए इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम। एक बार फिर से डिस्कस कर लें, जो शॉर्टकट हमने सीखा वो ये है कि द गायरोमैग्नेटिक रेशियो दैट इज एम बाई एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2m के जगह अब हम इसको Q डिवाइडेड बाई 2m लिखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज का आधा। ये हमारा शॉर्टकट है और आप इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखलाता हूँ। अ स्फीयर ऑफ मास m, लेट्स राइट स्मॉल m, एंड चार्ज q is revolving about its own axis at the rate omega radian per second. ठीक है, find the magnetic moment of this revolving sphere. आमतौर पे अगर हम बिना शॉर्टकट के इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमें इसको बाय इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पहले करंट भी इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। वो मेथड्स आप देखिएगा कि बुक्स में किस तरह से किया हुआ। लेकिन अगर हम इसको अभी जो हमने शॉर्टकट डेवलप किया उससे डायरेक्ट करें तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय 2m। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? इट इज q डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास इनटू एंगुलर मोमेंटम। एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग स्फीयर होगा i इनटू ओमेगा। हेंस m की वैल्यू हो गई q डिवाइडेड बाई 2m। आई की जगह क्या लिख सकते हैं?
आई की जगह लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू 2/5। याद रखिए स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओन एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। सो फाइनली ये 2m कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आता है, कितना आता है आंसर, टू एम कैंसिल होने के बाद इट्स क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 5। ये है आपके रिवॉल्विंग स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए इस तरह से हम रिवॉल्विंग चार्ज और उनके मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमने इसमें डेवलप किया दैट इज़ गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज स्पेसिफिक चार्ज का आधा, और इसको आप किसी भी रिवॉल्विंग चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।